हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं रीजनिंग के टॉपिक क्लॉक के बारे में कि घड़ी के सुइयों द्वारा स्थान परिवर्तन कर ले जाने पर उसका आंसर किस प्रकार हम मात्र एक सेकंड में दे सके। ऐसा ही तरीका है दोस्तों, मात्र एक सेकंड लगेगी, एक से दो सेकंड आराम से आंसर निकाल सकते हो। बस इस वीडियो को पूरा देखना, बहुत अच्छा तरीका, आराम से समझ में आ जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखना अंत तक, बस ये आपसे गुजारिश है। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, स्वागत करता हूँ अपना टीचिंग चैनल में। और दोस्तों क्लॉक पार्ट 7 है, इससे पहले 6 वीडियो डाल चुका हूँ, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है महाकाल तरीका। इससे जस्ट पहले जो वीडियो डाली थी उसमें क्या था दोस्तों, ऐसा तरीका था जहाँ पूरा लगभग 80% आपका क्लॉक उसी के अंदर आपका समाप्त हो जाता है, और वहाँ आपको बिना पेन कॉपी कोई भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो मात्र एक से दो सेकंड के अंदर। एकदम बेसिक तरीका है, बहुत अच्छा तरीका, शानदार वीडियो है। उस वीडियो का नीचे लिंक मिल जाएगा या ऊपर आई बटन पे क्लिक कर लेना, वहाँ मिल जाएगी आपको, ठीक है। और नीचे डिस्क्रिप्शन होता है, वहाँ उसका लिंक मिल जाना। महाकाल तरीका है, बहुत शानदार तरीका है। 80% भाग क्लॉक का उसी में समाप्त हो जाता है, और कोई पेन कॉपी की जरूरत नहीं। और लास्ट में तो आपको ऐसा तरीका बताया उसमें कि आपको क्वेश्चन भी पढ़ने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ऑप्शन देख के आंसर ला के आ गए, 99% आपका सही निकलेगा, ठीक है। तो अभी आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लॉक घड़ी की पार्ट 7 की, जिसमें हम बात करें घड़ी की सुइयों द्वारा स्थान परिवर्तन। और दोस्तों मेरा नाम राहुल वर्मा। अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन इस प्रकार आता है कि राम सुबह 9 से 10 बजे के मध्य विद्यालय जाता है तथा 4 से 5 बजे के मध्य वापस आता है, तो वह घड़ी में देखता है कि सुइयों की स्थिति वही है जो प्रातः थी, तो बताओ राम कितने बजे विद्यालय गया। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों, ये कहना ये चाह रहा है कि राम है जो विद्यालय जाता है कितने बजे जाता है, 9 से 10 बजे के मध्य। अब फिक्स टाइम हमें नहीं पता है, वो हमें ज्ञात करना है, और आता कब है, 4 से 5 बजे के मध्य वापस आता है। तो वो देखता है कि दोनों सुइयां जो घंटे और मिनट की सुइयां होती है वो एक दूसरे के स्थान पर नजर आती है। अब उसको ये नहीं पता कि कौन से घंटे की सुइयां कौन से मिनट की सुइयां, यही बताता है कि मैं इतने बजे गया था, इतने बजे के मध्य मैंने जब सुई देखी तो सुई मुझे दिखाई दे रही थी 9 से 10 बजे के मध्य और 4 से 5 बजे के मध्य। अब उसको ये नहीं पता कितने कौन सी जो सुई है वो घंटे की कौन से मिनट की, अगर ऐसा कुछ पता होता तो वो टाइम बता देता। अब उसको ये नहीं पता तो हम उसको बताएंगे कि आप भाई इतने बजे विद्यालय गए थे, इतने बजे आप आए थे, ठीक है। वो किस प्रकार हम ज्ञात करते हैं, उसका एक छोटा सा फॉर्मूला है कि 60/13 गुणा कर देंगे विपरीत समय से। और विपरीत समय क्या है दोस्तों, विपरीत समय वो है जैसे राम सुबह 9 से 10 बजे जा रहा है, तो 9 से 10 बजे, ठीक है, 9 से 10 बजे जा रहा है और वापस कब आ रहा है, 4 से 5 बजे के मध्य, 4 से 5 बजे। तो विपरीत समय दोस्तों ये हो जाएगा कि 9 का 5 से संबंध और 10 का 4 से संबंध, ठीक है। इसी प्रकार अब जैसे दोस्तों हमसे पूछ रहा है कि विद्यालय कितने बजे गया था, तो 9 से 10 बजे के मध्य गया था, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, 60/13, तो 60/13 और गुणा कर देंगे विपरीत समय से। विपरीत समय क्या हो जाएगा दोस्तों, सुबह का निकाल रहे हैं तो यहां से इसका विपरीत समय कौन सा निकलेगा दोस्तों, 5 से गुणा करेंगे, 60 को 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 5×30 300 में 13 का भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, अपना आ जाएगा 13×26 और यहाँ बचेगा 4, 13×39 23 सही 1/13, ठीक है। और ये समय क्या हो जाएगा दोस्तों, ये अपना होगा कि यहाँ 9 से 10 बजे के मध्य पूछा है, तो 9 बजे के बाद और 10 बजे से पहले का समय, 10 से पहले का समय और 9 के बाद, तो यहाँ हम इस तरीके से बोलेंगे 9:23 सही 1/13 बजे, 9:23 सही 1/13 मिनट पर वो विद्यालय गया था या जाता है, ये हम बोलेंगे। इसका आंसर हो जाएगा कितने बजे गया था दोस्तों, 9:23 सही 1/13 मिनट पर, ये मिनट आती है दोस्तों, ये मिनट पर वो विद्यालय गया था। अगर इस तरीके से पूछ लिया जाता कि वो विद्यालय से कब आया था, कब लौटा था, तो उसका आंसर किस प्रकार हो जाता कि विद्यालय से कब लौटा था। अब वही दोस्तों अभी मैंने बताया था कि विपरीत समय, अब लौटेगा कब, 4 से 5 बजे के मध्य, तो 4 से 5 बजे के मध्य लौटेगा, तो यहाँ इसका संबंध किससे, 10 से, तो 60 गुणा में कर देंगे 10 दोस्तों, यहाँ आपको शायद नहीं दिखाई देगा, यहाँ तक दिखाई देगा, यहां जैसे कि 60/10 60/13 और गुणा कर देंगे 60 को 10 से,
क्योंकि यहाँ 4 से निकाल रहे हैं, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 600, और 600 में 13 का भाग लगाते हैं तो अपना आ जाता है 40 सही 2/13। ठीक है दोस्तों, करके देख लेना। तो उसका आंसर हो जाता, अगर हमसे पूछा जाता है कि विद्यालय से कितने बजे आया था या कितने बजे लौटा था, तो यहाँ 4 से 5 बजे के मध्य, इसका मतलब 4 से बाद वाला समय और 5 से पहले वाला समय, तो 4:40 40 सही 2/13 मिनट पर वो विद्यालय से आया था। कितने बजे दोस्तों? 4:40 सही 2/13 मिनट पर। अब दोस्तों उसको पता नहीं था तो हम आराम से निकाल सकते थे, निकाल लिया है हमने बता दिया कि वो कितने बजे गया था, वो गया था 9:23 सही 1/13 मिनट पर, और आया कब था 4:40 सही 2/13 मिनट पर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों अपना ये है, क्वेश्चन है कि राम सुबह 8 से 9 बजे के मध्य विद्यालय जाता है तथा 5 से 6 बजे के मध्य वापस आता है, तो वह घड़ी में देखता है कि सुइयों की स्थिति वही है जो प्रातः थी, तो बताओ राम कितने बजे विद्यालय से आया था। दोस्तों यहाँ पूछा गया आया था, उसमें था गया था, ठीक है, यहाँ मैंने संख्या चेंज कर दी है तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, वही फॉर्मूला रहेगा 60/13 गुणा में विपरीत समय। ठीक है, तो विपरीत समय अभी मैंने बताया था कि विपरीत समय क्या होता है कि 8 से 9 बजे के मध्य गया था तो 8 से 9, ठीक है, और यहाँ 5 से 6 बजे के मध्य वापस लौटा था कि 5 से 6, ठीक है। अब ये तो आएगा अपना जाने का समय और ये आता है आने का समय, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ 8 को किससे गुणा करेंगे दोस्तों? अगर जाने का समय पूछे तो 6 से गुणा करेंगे, अगर आने का समय पूछे तो 9 से गुणा करेंगे। तो यहाँ हमसे पूछा आने का समय, तो वही दोस्तों आने का समय किस प्रकार निकालते हैं? आने का समय दोस्तों वही 60/13 और गुणा कर देंगे दोस्तों विपरीत समय, विपरीत समय कौन सा होगा दोस्तों? आने का समय निकाल रहे हैं तो यहाँ हमने निकाला 9, तो 9 से इसको गुणा कर देंगे दोस्तों, 9 6 54 540 हो जाएगा, 540 में 13 का भाग लगाएंगे, 13 चौका 52, 13 चौका 52 यहाँ 2 बचेगा, 13 कम 13 और 7/13, तो अपना आ जाएगा दोस्तों आने का समय, तो अपना आने का समय हो जाएगा दोस्तों 5:41 सही 7/13 मिनट पर, 5:41 सही 7/13 मिनट पर आने का समय हो जाएगा। अगर दोस्तों हमसे पूछ लिया जाता है कि जाने का समय, तो जाने का समय वही दोस्तों उसी प्रकार 60/13 और गुणा कर देंगे दोस्तों, गुणा किससे करेंगे? जाने का समय निकाल रहे हैं तो 6 से गुणा करेंगे, 6 से 6 6 36 360 हो जाएगा दोस्तों, आप 13 2 26, ठीक है, कितना बचेगा दोस्तों 10, 100 हो जाएगा, 13 7 91 और 9 सही 13, ठीक है। तो अपना जाने का समय कौन सा आ जाता दोस्तों? जाने का समय पूछा जाता तो अपना आ जाता दोस्तों 8:27 सही 9/13 मिनट पर, बट दोस्तों हमसे क्या पूछा है? आने का समय पूछा, तो अपना आंसर हो जाएगा 4:41 सही 7/13 मिनट पर। अब दोस्तों इसका मुंहजवानी आंसर आप आराम से दे सकते हो, जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा आपको पता है फॉर्मूला क्या है 7/13 गुणा विपरीत समय, जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा, ये क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, राम सुबह 8 से 9 बजे के मध्य जाता है और 5 से 6 बजे के मध्य वापस आता है, ठीक है। अब हमसे पूछा गया, बस यहाँ देखना है कि आया था पूछा है, तो आया था इसका मतलब हो जाएगा कि इससे गुणा करना है, और गया था उसका मतलब हो जाएगा कि इससे गुणा करना है, किसको? 7/13 को, ठीक है। अब 7/13 को आया था पूछा है तो 9 से गुणा कर दो, 6 9 54 540 के अंदर 13 का भाग लगाएंगे, मुंहजवानी लगा सकते हो दोस्तों, तो अपना आ जाएगा 41 सही 7/13, ठीक है। ऑप्शन देखकर डायरेक्ट आंसर निकाल के आगे, 1 सेकंड लगेगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा दोस्तों, अब वो आपके ऊपर है कैलकुलेशन कितना करते हो, 1+1 2 करने में भी आप 2 मिनट ले जाते हो तो आपके ऊपर है, ठीक है, आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, और फास्ट मैं आपको करवा दूंगा आगे चल करके कि किस तरीके से हम कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं, वो भी तरीका सब कुछ लेके आऊँगा, बस आप इस वीडियो को लाइक करते रहें और चैनल सब्सक्राइब करें, नए हो तो। एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है
और इसको ज़्यादा शेयर करना, जितना सपोर्ट आप करोगे उससे दुगना सपोर्ट करूँगा, उतनी ज़्यादा वीडियो लेके आऊँगा उतनी बढ़िया क्वालिटी के साथ, उतनी बेस्ट तरीके के साथ, ठीक है। अगर आपने दिल से सपोर्ट किया तो सभी क्लास लाइव लगा दूंगा बेस्ट फैकल्टी के द्वारा, आपको कहीं और कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं होगी, घर बैठे आराम से तैयारी कर सकते हो वो भी फ्री में, ठीक है दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना, लाइक करना, नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना, कमेंट द्वारा बताना कि वीडियो कैसे लगी, अच्छी लगी नहीं लगी, जैसे भी लगी हो दोस्तों, ठीक है दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।